शरद जी, आम आदमी पार्टी कह रही है भाई सेम चीज, उनके पास एक ही डिफेंस बचा है, वीक पोजीशन पे है, डगमगाए हुए हैं, परसेप्शन संजीव झा से लेके संजय सिंह तक बहुत स्ट्रांग दे रहे हैं सब कि एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, पर आपको पता हमको पता कैसी पार्टी कैन हैव ऑल फोर ऑन। अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने के बाद डिसीजन मेकिंग मशीनरी हिल गई है आम आदमी पार्टी की, ये सबको पता है। लेकिन वो कह रहे हैं भाई संजय सिंह को बेल मिली है तो अरविंद केजरीवाल को भी मिल जाएगी, क्योंकि संजय सिंह के लिए भी हाईकोर्ट से यही कहा गया था। और वो कह रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया इसको बहुत बड़ा चढ़ा रहा है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत ज्यादा होगी नहीं। शरद जी देखिए, दोनों केसेस में फर्क है। एक व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष, संयोजक, मुख्यमंत्री, दूसरा व्यक्ति सिर्फ राज्यसभा का सदस्य। एक आदमी फैसिलिटेटर, दूसरा आदमी सभी फैसले लेने में सक्षम। तो जो आज हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दलीलें रखी गई वो कानूनी नहीं थी, वो पॉलिटिकल दलीलें थी कि साहब ये चुनाव का समय है। अरहत को इससे क्या मतलब है कि चुनाव का समय है या नहीं है, वो आदमी किस पार्टी का सदस्य है, किस पार्टी के टिकट से मिला है जी। तो ये सारा सिर्फ पॉलिटिकल दलीलें हैं, कानूनी दलीलें आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं दी गई। और इसीलिए अदालत ने कहा कि हम सिर्फ कानून का पालन करेंगे, कानून के अनुसार, चूंकि आम आदमी पार्टी ने बेल मांगी ही नहीं थी, जमानत की अर्जी ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये जो गिरफ्तारी है कि गिरफ्तारी ही अवैध है, उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी। तो अदालत ने कहा नहीं, गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और उन्होंने उसी को सही उचित ठहराया। तो कुल मिला के जो जो चीजें हैं उसमें अभी मेरा मानना है कि स्टेटस को है न किसी के पक्ष में है न किसी के खिलाफ है। चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी गई थी तो इसलिए ये कहना कि चूंकि बेल नहीं मांगी गई थी इसलिए बेल न मिलना, ये नहीं कहा जा सकता कि उनको राहत नहीं मिली है। चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी और गिरफ्तारी जो कानून का मानना है, जो अदालत का मानना है कि देयर इज इनफ एविडेंस, उनका कहना है कि जो ईडी ने हमारे सामने जो सबूत रखे हैं वो इनफ हैं ये साबित करने के लिए कि न सिर्फ केजरीवाल बल्कि पूरी पार्टी को वो पैसा मिला है चुनाव लड़ने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के गोवा के उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपना एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है। तो जब आपके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हो तो इसमें फिर किसी दूसरे को आप दोष कैसे दे सकते हैं। ओके, दैट्स योर व्यू पॉइंट। विजय जी, आपको ये सब इलेक्शन के टाइम पे कोर्ट ने कह दिया हमारा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, कोर्ट ने कह दिया गवाहों पर सवाल खड़ा करना, कोर्ट पर सवाल खड़ा करना, आम आदमी पार्टी के पास कोई रास्ता आपको दिख रहा है? देखिए, रास्ता संजीव जी बता ही रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में उसको अपनी बात को रखें, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से करें। लेकिन जो शहजाद साहब ने कोर्ट की बात की उसमें दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। उसमें एक पॉइंट था जो कोर्ट ने कहा कि हम पॉलिटिकल मॉरलिटी पर बात नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर बात कर रहे जी, पहली बात। दूसरा, एक बात इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि ये केस अरविंद केजरीवाल वर्सेस केंद्र नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है सर, ये अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी है। तो इसका मतलब कोर्ट कह रहा है कि भाई ये पॉलिटिकल मसला नहीं है कि सेंटर को आप इसमें घसीट रहे, ये ईडी का केस है। मोर ऑर लेस कहा जा रहा है कि प्राइमा फेसी केस है, प्राइमा फेसी। और जो कहा कि भाई ईडी ने जो हमारे को सबूत रखे हैं, बयान रखे हैं, उससे लगता है। और जैसे शरद जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा गंभीर मसला है कि बेल ग्रांट नहीं होती वो तो अलग इशू है। आपने अरेस्ट को चैलेंज किया है और उस अरेस्ट को उन्होंने अवैध नहीं माना, तो ये तो और ज़्यादा गंभीर मसला हुआ ना। उन्होंने सर अवैध ही नहीं माना, उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के यूज में इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल पर्सनली इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पे उसमें इन्वॉल्व है। तो वो इंपॉर्टेंट मसला है। और जैसे बात हुई संजीव झा, संजीव झा सर बोलिए, आम आदमी पार्टी ने कोई वहां पर लीगल उस तरह से डिबेट नहीं किए, वो एक पॉलिटिकल डिबेट की, तो पॉलिटिकल डिबेट नहीं संजीव झा कोर्ट में जो होगा। लेकिन कुछ लोग मुझे ये चर्चा कर रहे थे, शहजाद को या संजीव जी को ज्यादा पता होगा कि पार्टी में ये दिक्कत अरेस्ट वाली तो है ही, लेकिन संजय सिंह जी को बाहर आ जाने से एक नई तरीके की परेशानी वहां हुई है, बाहर आने से परेशानी हुई संजीव जी है क्या? संजय सिंह के बाहर आने से परेशानी हुई है इंटरनल पार्टी सर, पूछ लेते सर, आप सीधा ही, इसलिए मैंने कहा कि वन वर्सेस वन उसी संजय सिंह के विजुअल्स के साथ गरिमा जी, थैंक यू। हां संजीव झा जी, देखिए इसलिए इस बात पे हंसी मुझसे इसलिए आ रही है
कि इस बात पे हंसी इसलिए आ रही है कि जब ये बिल मिला उस दिन भी कुछ पत्रकार इस तरह के कयास लगा रहे थे। ये सब कयास पार्टी के बाहर के लोग अपने आप उनके दिमागी उपज है। पार्टी में ऊर्जा आई है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आई है, और संजय सिंह फिर उसी मजबूती से चुनौती दे रहे हैं। पर किस तरह से पूरा एलिगेशन बना करके पार्टी खत्म करने की साजिश प्रधानमंत्री कह रहे थे उसको बता रहे हैं, और लोगों को समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो एक उम्मीद थी पूरे देश में, उस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं आप, लेकिन वो उम्मीद ऐसे खत्म नहीं होगी। ये करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं जो दिल्ली में, जो पंजाब में हम डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि बात कानूनी नहीं है, बात भाई साहब बात ही राजनीतिक है। ये बात राजनीतिक इसलिए है कि आप ही देखिए ना, पिछले 5-7-9 साल में 25 ऐसे बड़े नेता जिस पर इसी सरकार ने ईडी का रेड कराया, जेल भेजा, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया सब ठीक हो गया। प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब पार्टी में ले लेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। तो भ्रष्टाचार से लेना होता उस सब पे रेड होता ना, नहीं हो रहा है। और दूसरा हम चीख चीख कर कह रहे हैं विजय जी कि वो जो 60 करोड़ का ट्रेल मिला है ये पी सरचंद रेड्डी के पास, ईडी क्यों नहीं जा रही है? भाई इसलिए तो ईडी बनाया गया था कि सेल कंपनी से जो चंदा जा रहा है, सेल कंपनी से मनी ट्रांसफर हो रहा है उसकी जांच करे। एक भी पॉलिटिकल केस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इनडायरेक्ट में कहीं से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां निकला हुआ वहां तो ईडी नहीं जा रहा है। तो ईडी इज द विंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ईडी इट इज नॉट इंडिपेंडेंट प्रीमियर एजेंसी। मैं यही माननीय कोर्ट को कहना चाहता हूं, देयर सरकमस्टेंसेस बाय दैट ये प्रूव होता है कि ईडी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ एक पार्टी बनकर काम कर रही है। तो मैं कैसे, आप जजमेंट जो आया है वो ईडी के इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे आया है। दो साल से जांच कर रहे हैं, कुछ तो मिल नहीं रहा, एक अटर्नी कहीं बराबर नहीं। सर लेट हिम कंप्लीट, आप अपनी बात बोलिए, पूरा टाइम लीजिए। स्टोरी बनाई गई है अप्रूवर के बेस पे, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे कहा गया है ना, आप तो इस बात को मानेंगे ना विजय जी और शरद जी की अप्रूवर इज अनवर्दी फ्रेंड, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। अगर माननीय हाई कोर्ट ये कहते हैं कि नहीं अप्रूवर इज द ओनली फ्रेंड, तो इसका मतलब हम ये तो कहेंगे ना कि जुडिशियल माइंड पे डाउट कर रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल माइंड पे डाउट कर रहे हैं। तो ओके संजीव, लगता है कि आज जैसे आपने कहा लेकिन शहजाद कह रहे हैं और विजय जी यही कह रहे थे कि भाई आज जो कोर्ट में भी तो आम आदमी पार्टी ने यही कहा था कि भाई ईडी वो कर रही है, कोर्ट ने क्या कहा, न्यायपालिका ने, हाईकोर्ट ने, आपको माननीय जज ने सुना और ये कहा आप मत करिए, गवाहों पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाने के बराबर है, जज पर कलंक करना, जज पर तो ये सब आपको क्लैरिटी मिल गई है। बहरहाल शहजाद आपको काउंटर कर रहे हैं। संजीव जी होल्ड ऑन, संजीव जी यू कैन नॉट बी कंटिन्यूअसली ऑन, रिलैक्स, बस एक नहीं, बस एक नहीं, आप दो बार कीजिएगा शहजाद के बाद, प्लीज मैंने आपको टाइम दिया। शहजाद, ओके शहजाद।